गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे पिछले लेक्चर में हमने यूज ऑफ आर्ट वर्क के बारे में ही डिस्कशन किया था, जिसमें हमने ग्राफिक डिजाइंस क्या होते हैं और ग्राफ क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। एंड देन उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में भी आर्ट वर्क के बारे में ही डिस्कशन किया था, जिसमें हमने मैप्स, जिन्हें मानचित्र भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो अब तक हमारा ग्राफिक डिजाइंस के यूज़ हो गए हैं, फिर हमने पढ़े ग्राफ्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़े कि मैप्स क्या होते हैं, मानचित्र क्या होते हैं। आज की क्लास में हम चार्ट का क्या यूज ऑफ आर्ट वर्क में, जो चार्ट है उसका क्या यूज है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चार्ट किसे कहते हैं, चार्ट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो चार्ट क्या है, शीट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक शीट है जिसपे सूचनाएं होती है। किस फॉर्म में, या तो टेबल के फॉर्म में हो सकती है, या फिर ग्राफ के फॉर्म में हो सकती है, या डायग्राम के रूप में हो सकती है। और ये क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब हमें चार्ट क्या है, एक विजुअल एड है। आपने ऑडियो विजुअल AV एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स तो सुना ही होगा, जिसमें ऑडियो एड्स होती हैं, जो जैसे रेडियो हो गया, और ऑडियो विजुअल एड्स जैसे टेलीविज़न हो गया, उसमें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। ऑडियो में जैसे रेडियो हो गया, वैसे ही विजुअल एड्स भी होती हैं, जिसमें सिर्फ हम उसको देख के ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चार्ट एक ऐसा ही वो है जिसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन है देख के प्राप्त होती है। उस शीट ऑफ पेपर को देख के हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन इन टेबल फॉर्म हो सकती है, ग्राफ के फॉर्म में हो सकती है, या इस एक डायग्राम के फॉर्म में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। किसका, डेटा का। डेटा क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हमें कोई भी मैटर है उसको इन चार्ट समझाना हो तो हम इन्फॉर्मेशन को चार्ट के थ्रू क्या है, समझा सकते हैं। इससे विजुअल सिंबल वही हो गया कि एक ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये विजुअल सिंबल्स क्या करते हैं, ये हेल्पफुल सर्विसेज जैसे एड्स होती हैं, हेल्पफुल होती हैं ये। किस में, कोई भी सब्जेक्ट मैटर, मतलब कोई भी डेटा है या कोई सब्जेक्ट मैटर है, या जो भी हमें कोई विषय वस्तु को समझाना होता है, तो उसको समझाने के लिए क्या है, हम चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो इसे चार्ट कहते हैं। फिर अब आती है कि चार्ट के क्या एडवांटेज क्या हैं। तो चार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, कि ये क्या करते हैं, मेन फैक्ट्स और फिगर्स को एक्सप्लेन करते हैं, क्लियरली स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी फैक्ट है या कोई फिगर बना के समझाना है, कोई डायग्राम बना के समझाना है, तो उनको क्या है, क्लियरली ये रिप्रेजेंट करते हैं। और वो मेजर, कोई मेजरमेंट का डेटा बताना है तो उसको भी क्या है, स्पष्ट रूप से प्रेजेंट करते हैं। फिर एम्फेसाइज, जोर देते हैं किस पे, रिलेशनशिप। दो जो कोई डेटा जितने होते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को क्या है, ये एम्फेसाइज करते हैं, उन पे उनको महत्व, उनका महत्व एक्सप्लेन करते हैं। दे शो साइज एंड परसेंटेज। कोई जैसे चार्ट्स के थ्रू हम परसेंटेज के डेटा शो कर सकते हैं, कोई साइज रिलेटेड इक्वेशंस हैं उनको भी हम इसके थ्रू क्या है, प्रेजेंट कर सकते हैं। दे शो ऑपरेशनल प्रोसीजर। ऑपरेशनल प्रोसीजर भी फ्लो चार्ट्स जो होते हैं उनके थ्रू कोई भी ऑपरेशन प्रोसीजर को क्या है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर है एडवांटेज ऑफ चार्ट। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि ये क्लियरली मैसेज को क्या करते हैं, देखते ही हमें क्या है, मैसेज चार्ट को देखते ही क्लियरली एक्सप्लेन हो जाता है। चार्ट में शॉर्ट विजुअल्स को लेकर शॉर्ट डेटा को इजीली समझाने की कोशिश की जाती है, तो इससे क्या है, मैसेज बहुत क्लियरली हमें मिल जाता है। फिर वही चीज़ की फैक्ट्स और फिगर्स जो इसमें यूज़ किए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिटेल में ना लिख करके शॉर्ट फॉर्म में जब इस फिगर और फैक्ट्स को, तथ्य जो होते हैं उनको जब प्रेजेंट किया जाता है, तो क्या किया जाता है इसमें, वो भी क्या होते हैं, क्लियरली हमें समझ आते हैं। एम्फेसाइज रिलेशनशिप बिटवीन, दो या दो से अधिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनको क्लियरली ये समझाने में, उनकी रिलेशनशिप को समझाने में हेल्पफुल है। फिर है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो भी है इस शॉर्टर कम्युनिकेशन के थ्रू क्या है, सही सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है चार्ट के थ्रू। एम्फेसाइज
ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को समझाने में इसका बहुत अच्छा रोल है, तो उनको भी ये इजीली रिप्रेजेंट करता है। कैन बी सीन बाय अ गुड नंबर ऑफ व्यूज एट ए टाइम। चार्ट को काफ़ी मात्रा में लोग, अगर हम कहीं चार्ट लगाते हैं तो उसको हमें क्या है, व्यूअरशिप जो है उसकी बढ़ जाती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू समराइज द टॉपिक प्रिसाइजली। कोई टॉपिक है जो बहुत डिटेल में है और उसको हम छोटे से फॉर्मेट में डायग्राम बना के या फिर हम उसका टेबल बना के या ग्राफिक पैटर्न में उसको दिखाकर एक चार्ट में शीट ऑफ पेपर पे हम क्या है, बड़े डेटा को छोटे रूप में हम किसी भी टॉपिक को समझा सकते हैं। तो ये सब इसकी क्या है, एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकती है चार्ट की, कि लिमिटेड यूज़, जहाँ पे मतलब कम लिटरेसी है, साक्षरता जहाँ कम है वहाँ के लोग इसको समझने में, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ साक्षरता कम है तो वहाँ के एरियाज में क्या इसका यूज़ थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, उनको मतलब पाई चार्ट, बार चार्ट, इन सब के डेटा इतने इजीली समझ नहीं आते हैं। फिर है इट रिक्वायर्स केयरफुल प्रिपरेशन। मतलब अगर चार्ट को ऑडियंस के अकॉर्डिंग बनाना होता है, जहाँ लिटरेसी कम है उनके अकॉर्डिंग चार्ट्स को सिंबल्स में बनाकर यूज़ किया जा सकता है, तो जैसे ऑडियंस है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्या है, चार्ट बनाने पड़ते हैं। तो अगर प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो हमें इसकी इफ़ेक्टिवनेस का फ़ायदा मिलेगा, वरना इनकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, कम हो जाएगी। फिर है टाइप्स ऑफ चार्ट। तो आज हम टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि पाई चार्ट क्या होता है, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ट्री चार्ट, स्ट्रिप टी चार्ट क्या होता है, या फ्लिप ओवर चार्ट क्या होता है। तो सबसे पहले पाई चार्ट के बारे में देखते हैं कि पाई चार्ट क्या होता है। ऐसे इस तरीके के दिखने वाले चार्ट जो होते हैं वो पाई चार्ट होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि एक टाइप का ग्राफ भी है, हमने पाई ग्राफ भी पढ़ा था। तो ये जब शीट ऑफ पेपर पे जब यूज़ किए जाते हैं तो पाई पैटर्न में बनाए जाते हैं, तो इनको पाई चार्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक सर्कल को बहुत सारे फ्रैक्शंस में, बहुत सारे भागों में क्या करा है, बांट दिया जाता है। जैसे डेटा के अनुसार हम एक सर्कल को डिवाइड कर देते हैं फ्रैक्शंस में, तो इससे क्या है, जो डेटा है उनके बीच की रिलेशनशिप को हम अकॉर्डिंगली समझा सकते हैं। तो इसमें जैसे 100% का कुछ डेटा होगा, उसको डिवाइड करके एक चार्ट के माध्यम से कि 25% इस एरिया में मिले, 45% इस भाग में हमें दिख रहे हैं, 20% इस भाग में दिख रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम किसी भी डेटा को, किसी भी सूचना को पाई के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से समझा सकते हैं। ये कब हानिकारक होते हैं, मतलब थोड़े लेस एडवांटेज होती है इनकी, जब डेटा छोटे छोटे हों, मतलब बहुत सारे जब इसके अंदर फ्रैक्शंस होंगे तो हमें ये इसके डेटा समझने में क्या होगी, मुश्किल होगी। जितना ये कम फ्रैक्शंस होंगे उतनी इसमें समझने में आसानी होती है। तो एडवांटेज क्या है, ए पाई चार्ट प्रेजेंट्स डेटा एज ए सिंपल और इजी फॉर्म में ये क्या है, डेटा को प्रेजेंट करता है। फिर है इट कैन बी इफेक्टिवली, ये क्या है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का टूल है जो ऑडियंस को क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ होल, पूरे डेटा का फ्रैक्शंस में डिवाइड करके क्या है, एक्सप्लेन करता है। एनेबलिंग देम टू इमीडिएट, किसी भी डेटा को इमीडिएट मतलब एट ए ग्लांस अगर हमें उसका एनालिसिस करना हो या उससे इन्फॉर्मेशन को समझना हो तो हम क्विकली उस इन्फॉर्मेशन को क्या है, समझ सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने स्मॉल डेटा होंगे उतना ही इसमें हमें डेटा को समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी। यही अगर डेटा ऐसा होगा पाई में तो ये 25 25 25 25 में चार भागों में बटा है, मतलब जितने भाग कम होंगे उतना समझने में आसानी होती है, और जितने ये फ्रैक्शंस बढ़ जाएंगे, इनके भाग बढ़ जाएंगे, पार्ट्स ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे, तो पाई चार्ट को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इसके जो नंबर्स देने में भी हमें आसानी नहीं होगी, 100 के डाटा को इतने भागों में बांटना मुश्किल हो जाता है। फिर हम इसके सिंबल्स भी क्या है, क्राउडेड हो जाएंगे, तो पढ़ने में क्या है, दिक्कत आती है। और ये क्या है, वन डेटा सेट को समझाने में, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा है उसके डेटा को समझाने में तो इजी होता है, पर मल्टीपल सेट्स होते हैं जो कोई इन्फॉर्मेशन के,
उनको समझाने में पाई चार्ट के माध्यम से क्या डिफिकल्टी होती है। अब है कि बार चार्ट क्या होते हैं, तो बार चार्ट क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन को समझाया जाता है। ये क्या होते हैं बार्स, रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं जिनमें हाइट और लेंथ के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। एडवांटेज क्या है इनकी, ये लार्ज डेटा को, विजुअल फॉर्म ही है चार्ट, एक विजुअल एड के रूप में माना जाता है, तो ये क्या है लार्ज डेटा को भी विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट आसानी से कर पाता है। फिर है क्लैरिफाइड ट्रेंड्स, अगर आपको कोई ट्रेंड दिखाना हो, जैसे पॉपुलेशन का, जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है, उसका ट्रेंड शो करना हो, तो बार ग्राफ के थ्रू क्या, बार चार्ट के थ्रू आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर है एस्टिमेट की वैल्यूज़, जो आपके की सिंबल्स जो आप यूज़ करते हैं उनको भी आप क्या आसानी से इसमें यूज़ करके डेटा को या इंफॉर्मेशन को, सूचना को आसानी से समझा सकते हो। परमिट ए विजुअल चेक, इसमें क्या है एक्यूरेसी का भी आप आसानी से जजमेंट कर सकते हो कि रीजनेबल कितनी है, कैलकुलेशन कैसी है, उसका जो एक्यूरेसी है उसको आप आसानी से चेक कर सकते हो। बी इजीली अंडरस्टूड, और आसानी से ये क्या है बिजनेस और मीडिया पर्पज के, जो मीडिया होती है उनमें क्या है ये बार चार्ट के थ्रू क्या है आसानी से इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। फिर है डिसएडवांटेज ऑफ बार चार्ट, रिक्वायर एडिशनल एक्सप्लेनेशन, मतलब चार्ट के अलावा भी इसमें क्या है एक्सप्लेनेशन को अलग से डिटेल में समझाना पड़ता है। मैनिपुलेट किया जा सकता है, कभी कभी हम डेटा को इन्फेसाइज करने के लिए, किसी पर्टिकुलर डेटा को अच्छा दिखाने के लिए किसी को कम ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसमें मैनिपुलेशन होता है, तो क्या डेटा की जो रियलिटी है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। फेल टू रिवील की अजम्पशंस, इसमें की अजम्पशंस जो होते हैं मेन कोज है, इफ़ेक्ट है, उनको ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो ये इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। अब है लाइन चार्ट क्या होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है लाइन चार्ट क्या होता है, इसमें ये जो डॉट्स होते हैं इनको मार्कर्स भी बोलते हैं, इन डेटा पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से क्या किया जाता है ज्वाइन किया जाता है, तो जिससे क्या बन जाता है एक लाइन चार्ट बन जाता है। ये क्या है बेसिकली कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है, हर जगह पर इसको आसानी से यूज कर लेते हैं लोग, तो ये बहुत यूज़फुल चार्ट है। अब है ट्री चार्ट क्या होता है, ये क्या होता है कि किसी मेन चीज़ को हम क्या करते हैं, जो मेन हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको डिवाइड करके एज ए ट्री फॉर्मेट में समझाया जाता है। तो जैसे ये किसी पेड़ की जड़ है, फिर उसके जितने भी शाखाएं निकल रही है, ब्रांचेज निकल रही है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि फैमिली ट्री, एक फैमिली में आप और आपसे रिलेटेड जितने भी आपके रिलेशंस हैं उनको क्या हम फैमिली चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर है, देन फादर मदर, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर्स, अंकल, तो इन सबको क्या है आप फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग, फैमिली चार्ट जो होता है, ट्री चार्ट जो होता है वो फैमिली को या कोई रिलेशनशिप को या कोई टॉपिक, जैसे हम एग्रीकल्चर की ब्रांचेज को शो कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर मेन ब्रांच हो गई आपकी और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, तो ऐसे उनकी ब्रांचेस को क्या हम ट्री पैटर्न में समझा सकते हैं। एडवांटेज ऑफ ट्री चार्ट, ये सिंपल होते हैं समझने में, फिर इनमें क्या किया जाता है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करके किसी भी डेटा को, किसी भी सूचना को हम आसानी से समझा सकते हैं। कोई भी नए जो सिनेरियोज अगर हमें दर्शाने हो, एक्सप्लेन करने हो, तो ट्री चार्ट के माध्यम से हम समझा सकते हैं। ये क्या करते हैं, कोई बेस्ट वर्स्ट या जो भी वैल्यूज़ होती हैं अलग अलग सिनेरियोज की, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होती है, उनको भी आसानी से इनसे ट्री चार्ट के माध्यम से समझाया जा सकता है। और ये क्या है अलग अलग डिसीजन की जो टेक्निक्स होती हैं उनको, उनके साथ कंबाइन होकर भी ट्री चार्ट के माध्यम से हम डेटा को समझा सकते हैं। अब है स्ट्रिप टी चार्ट, ये क्या होता है, इसमें इसको सस्पेंस चार्ट भी कहते हैं, हम इंफॉर्मेशन को, एक जो वक्ता होता है बोलने वाला वो अपना जो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है ऐसे स्लिप्स बना लेता है
इसमें सबसे पहले वाली चिट को ओपन करेगा, वो किसी वैक्स से स्ट्रिप चिपकी होती है, पहले उसको इन्फॉर्मेशन को और बाकी क्या है चिपके रहने देगा। जब तक इसके बारे में नहीं बताएगा तो आगे क्या है सस्पेंस बना रहता है कि अगली इन्फॉर्मेशन में हमें क्या प्राप्त होगा, फिर अगली इन्फॉर्मेशन में हमें क्या सूचना मिलेगी। तो इससे क्या एक सस्पेंस बना रहता है कि आगे हमें और क्या जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस क्या है, इट इनेबल्स स्पीकर जो होता है उसको इन्फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप बताता है। तो इससे क्या है जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है और लोग अलग अलग मतलब इमेजिनेशन कल्पना जिसको बोलते हैं वो करते रहते हैं कि आगे हमें और क्या सूचना मिलेगी या इस टॉपिक में आगे क्या हमें अलग से बताया जाएगा। तो इससे ऑडियंस का क्या इंटरेस्ट बना रहता है, उनकी रुचि बनी रहती है। फिर इंफॉर्मेशन को थिन स्ट्रिप, जो पेपर की स्ट्रिप तो स्ट्रिप होती है उनको वैक्स या टेप से क्या ढक दिया जाता है, फिर एक एक करके उनको रिवील किया जाता है। एज अ स्पीकर विशेस टू विजुअली री इन्फोर्स, किसी डेटा को किसी वर्ड को या किसी लाइन को उसको री इन्फोर्स जोर देकर समझाना हो और उस पर अलग से इम्फेसाइज करना हो तो वो क्या एक एक करके उनको रिमूव करता है स्ट्रिप्स को और फिर उसको एक्सप्लेन करता है। इससे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट क्या बना रहता है और उनकी लर्निंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है और उनको याद ज़्यादा समय तक रहता है। अब है कि फ्लिप ओवर चार्ट क्या होता है। तो फ्लिप ओवर चार्ट इस तरह का होता है, ये एक ट्राइपॉड है जिसपे ये ट्राइपॉड या फोर लेग जो स्टैंड होता है उस पर ये चार्ट को क्या एडजस्ट किया जाता है और ये पेपर वाइज पेपर हम फ्लिप का मतलब क्या होता है पलटना। तो इसमें क्या होता है जैसे आपने कैलेंडर देखा होगा, कैलेंडर को भी जो हम पलट पलट के पढ़ते हैं, जैसे जनवरी का मंथ निकल गया तो फरवरी आएगा देन मार्च आएगा, तो इस तरह का फ्लिप चार्ट दिखने में होता है। ये क्या है पेपर की शीट्स होती है लार्ज, जो टिपिकली हम क्या करते हैं एक स्टैंड पे जो ये ट्राइपॉड है इसका ये स्टैंड है यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं, फिर एक एक करके इसको पलट पलट के अपनी इन्फॉर्मेशन वो क्या है जो स्पीकर है वो देता है। तो हमने यही पढ़ा कि ये वाइट बोर्ड पर इसको फिक्स कर दिया जाता है कोई ट्राइपॉड जो होता है उसके थ्रू। ये वाले चार्ट भी यूज़ किए जाते हैं जब कोई प्रेजेंटेशन होती है तो उसमें इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ए फ्लिप चार्ट इज़ अ ग्रेट यूज़ फॉर क्लासरूम टीचिंग जो होती है उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या कोई बिजनेस मीटिंग है उनमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं आप अपनी इन्फॉर्मेशन को आसानी से क्विकली और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनका इंटरेस्ट इसमें भी बना रहता है। इसमें भी क्या होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है और फ्लिप चार्ट में भी क्या सस्पेंस बना रहता है कि आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इससे आपका इंटरेस्ट जो है उस मैटर में बना रहता है। इसकी एडवांटेज क्या है, इनएक्सपेंसिव होते हैं, रीजनेबली पोर्टेबल है, इनको कहीं भी ले जाया लाया जा सकता है, कैन बी सेव, हम आसानी से इसको बचा कर रख सकते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, एनकरेज स्पॉन्टेनियटी, मतलब हम लगातार किसी मैटर को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं तो इसमें स्पॉन्टेनियटी बनी रहती है, यूज़ करने में आसान होता है। मीटिंग्स में क्या है आसानी से ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है, कोई नया प्रोजेक्ट है तो उसके रिलेटेड जो है बिजनेस मीटिंग में क्या है जो चर्चा होती है उनकी डिस्कशन होता है वो उसको बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है जिसमें हमने चार्ट के टाइप्स के बारे में, चार्ट क्या होता है उसके बारे में, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।